प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। इसमें लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा है क्लोजर प्रॉपर्टी को। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, किसी भी दो रैशनल नंबर को जब हम ऑपरेट करते हैं, ऑपरेट मीन्स एड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, तो रिजल्ट रैशनल नंबर मिलता है तो क्लोजर प्रॉपर्टी है, अगर नहीं मिलता है तो क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं है। एंड आज हम लोग सीखेंगे कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी, रैशनल नंबर की सेकेंड प्रॉपर्टी है ये। सो सबसे पहले वेलकम टू सर्व शिक्षा एजुकेशन, एंड पढ़ते हैं हम कम्यूटेटिविटी। फर्स्ट केस है होल नंबर का, जैसे हमने क्लोजर प्रॉपर्टी में पढ़ा था, फर्स्ट केस होल नंबर, देन इंटीजर, देन रैशनल नंबर। तो यहाँ भी फर्स्ट केस है आपका होल नंबर का, इसमें हम ऑपरेशन करेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, एंड चेक करेंगे कि किस केस में कम्यूटेटिविटी वेरीफाई हो रहा है एंड किस केस में नहीं हो रहा है। तो फर्स्ट केस है एडिशन का। एडिशन के केस में आप यहाँ पे देख रहे हैं ए प्लस बी इक्वल बी प्लस ए मैंने लिखा है। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी दो नंबर को, होल नंबर को हम ऐड करते हैं, एडिशन केस है। एंड इन्हीं दो नंबर को आपस में इंटरचेंज करके, इंटरचेंज मीन्स ए के प्लेस में बी एंड बी के प्लेस में ए लिख देते हैं, देन इन दोनों नंबर को ऐड करते हैं, एंड इंटरचेंज करने के बाद इन दोनों नंबर को ऐड करते हैं, एंड अगर दोनों का एडिशन का जो रिजल्ट है इक्वल आता है तो कम्यूटेटिविटी है। जैसे यहाँ पे ए प्लस बी लिखा मैंने, एक होल नंबर है, बी दूसरा होल नंबर है, एक प्लेस में टू लिख दिया, देन प्लस, देन बी के प्लेस में थ्री, टू प्लस थ्री फाइव हो गया आपका। अब यहाँ पे इन होल नंबर्स को मैंने इंटरचेंज कर दिया, इंटरचेंज मीन्स प्लेस चेंज कर दिया है, तो पहले बी आ गया, देन प्लस ए, बी के प्लेस में यहाँ पे थ्री था, आप देख लीजिए बी के प्लेस में थ्री था, देन प्लस एडिशन केस है, देन ए के प्लेस में क्या था, टू था, जो कि यहाँ पे बाद में ए आ गया है, तो ए के प्लेस में टू आ गया, तो थ्री प्लस टू फाइव। मतलब यहाँ पे जो हमें रिजल्ट मिल रहा है वह इक्वल है, इक्वल है मीन्स लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड है। मतलब किसी दो नंबर को, किसी दो होल नंबर को हम ऐड करते हैं, देन उसे इंटरचेंज करके अगेन ऐड करते हैं, तो रिजल्ट सेम आता है, इक्वल आता है, दैट्स व्हाई एडिशन इज कम्यूटेटिव। होल नंबर केस में एडिशन में कम्यूटेटिविटी वेरीफाई हो रहा है। सो बेसिकली कम्यूटेटिविटी मतलब समझ में आ गया होगा कि आप किन्हीं दो नंबर को ऑपरेट कीजिए, देन उन्हें इंटरचेंज करके, उनके प्लेस को चेंज करके ऑपरेट कीजिए, दोनों साइड इक्वल आ रहे हैं तो कम्यूटेटिविटी है। नेक्स्ट ऑपरेशन है सब्ट्रैक्शन का। इसमें भी ए माइनस बी, दो होल नंबर को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए के प्लेस में टू है, देन माइनस सब्ट्रैक्शन केस है, एंड बी के प्लेस में थ्री है, टू माइनस थ्री माइनस वन होता है, देन इन नंबर्स को हम इंटरचेंज करते हैं, मीन्स बी पहले देन माइनस ए, बी के प्लेस में यहाँ पे थ्री था, थ्री लिख दिया, ए के प्लेस में टू था, तो ए के प्लेस में यहाँ पे टू लिख दिया, थ्री माइनस टू वन आ गया। अब यहाँ पे माइनस वन एंड वन आ गया जो कि इक्वल नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड नहीं आ रहा है, इक्वल नहीं आ रहा है, तो सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। सब्ट्रैक्शन केस में होल नंबर कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी वेरीफाई नहीं कर रहा है। मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन देखते हैं, इसमें भी आप दो नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे मैंने कर दिया टू इंटू थ्री सिक्स आता है, देन इन्हीं नंबर को आप इंटरचेंज कर दीजिए, मीन्स प्लेस चेंज कर दीजिए, तो पहले थ्री आ गया इंटू टू, यहाँ भी आपका थ्री इंटू टू सिक्स आ गया, मीन्स यहाँ पे प्लेस चेंज करने के बाद, इंटरचेंज करने के बाद रिजल्ट में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, रिजल्ट इक्वल आ रहा है, दैट्स व्हाई मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। नेक्स्ट ऑपरेशन है डिविजन का। इसमें भी आप दो होल नंबर लेंगे एंड उन्हें डिवाइड करेंगे, तो ए के प्लेस में टू है, देन डिवाइड, बी के प्लेस में थ्री है, इन्हें जब डिवाइड करेंगे तो टू डिवाइड बाई थ्री आ जाएगा, ओके, देन प्लेस चेंज कर दिया, इंटरचेंज कर दिए हैं, बी पहले आ गया, ए बाद में चला गया, तो बी के प्लेस में थ्री है एंड ए के प्लेस में टू है, थ्री डिवाइड बाई टू हो गया है, मीन्स थ्री अपॉन टू आ गया है। अब यहाँ टू अपॉन थ्री है, यहाँ थ्री अपॉन टू है, इक्वल है क्या, नहीं है, इक्वल नहीं है, दैट्स व्हाई डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव। तो ये हो गया आपका फर्स्ट होल नंबर केस। इसी तरह हम सेकंड इंटीजर का केस देखेंगे, इसमें भी हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को चेक करेंगे। तो इंटीजर में भी हम यही चार बेसिक ऑपरेशन देखेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो फर्स्ट केस है एडिशन का। एडिशन मीन्स आप यहाँ पे दो नंबर को एड करेंगे, देन इनके प्लेस को इंटरचेंज करके फिर एड करेंगे, देन चेक करेंगे इक्वल है या नहीं है। तो ए के प्लेस में ले लिया है माइनस टू,
प्लस एन बी के प्लेस में 3, माइनस 2 प्लस 3 सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा, देन इक्वल बी प्लस ए, इंटरचेंज कर दिया, बी के प्लेस में क्या है 3 है तो यहाँ पे 3 पहले लिख दिया, ए के प्लेस में माइनस 2 है तो माइनस 2 को बाद लिख दिया, तो 3 प्लस माइनस 2 क्या हो जाएगा 3 प्लस इंटू माइनस माइनस 2, तो 3 माइनस 2 1 आ गया। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड आ रहा है, मीन्स किसी दो इंटीजर को अपने ऐड किया, देन इसके प्लेस को चेंज करके अगेन ऐड किया है तो रिजल्ट सेम आ रहा है, एडिशन इज कम्यूटेटिव। देन अगेन सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन देखते हैं, इसमें आप दो नंबर लीजिए एंड उन्हें सब्ट्रैक्ट कीजिए, देन इंटरचेंज करके उन्हें आपस में सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो ए के प्लेस में माइनस 2 है, देन सब्ट्रैक्शन का केस है तो माइनस आ गया, एंड बी के प्लेस में 3 है तो माइनस 2 माइनस 3 सॉल्व होके माइनस 5 आ गया, एंड ये बी माइनस ए, बी के प्लेस में 3 है एंड सब्ट्रैक्शन केस है तो माइनस आ गया, एंड ए के प्लेस में यहाँ पे माइनस 2 था जो कि माइनस 2 बाद में चला गया, इसे आप सॉल्व करेंगे 3 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 आ जाएगा, तो 3 प्लस 2 5 आता है, तो यहाँ पे माइनस 5 आया है एंड यहाँ पे प्लस का 5 आया है जो कि इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है मतलब ये दोनों साइड इक्वल नहीं आए हैं, दैट्स व्हाई सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। थर्ड ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन का, इसमें दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे देन प्लेस को इंटरचेंज करके अगेन मल्टीप्लाई करेंगे, एक प्लेस में माइनस 2 है देन मल्टीप्लाई, बी के प्लेस में 3 है, 3 टू जा 6 एंड माइनस 6 आ गया, एंड बी के प्लेस में 3 था तो 3 पहले आ गया, एक प्लेस में माइनस 2 था तो एक प्लेस में माइनस 2 आ गया, देन यहाँ पे 3 टू जा 6 एंड माइनस माइनस 6 मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड यहाँ पे आ रहा है, मतलब आपने दो नंबर को मल्टीप्लाई किया एंड उसे इंटरचेंज करके अगेन इसे मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट सेम आ रहा है, दैट्स व्हाई मल्टीप्लिकेशन इज अ कम्यूटेटिव। डिवीजन का ऑपरेशन देखते हैं, दो इंटीजर ले लिया है एंड उन्हें डिवाइड कर दिया तो माइनस 2 डिवाइड बाई 3, माइनस 2 अपॉन 3 आ जाएगा, देन बी को पहले ले लिया है तो बी के प्लेस में 3 था, डिवाइड ए को बाद में कर दिया तो ए के प्लेस में माइनस 2 था, एंड इसे डिवाइड करेंगे तो 3 अपॉन माइनस 2 आएगा। अब क्या ये दोनों इक्वल है? इक्वल नहीं है क्योंकि यहाँ पे माइनस 2 है एंड यहाँ पे 3 है, इक्वल नहीं है, दैट्स व्हाई डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव। तो इस तरीके से हमने इंटीजर को भी चेक कर लिया है। अब नेक्स्ट केस देखेंगे रैशनल नंबर्स का, इसमें भी हम चारों ऑपरेशन को चेक करेंगे एंड फर्स्ट ऑपरेशन है एडिशन। इसमें आप दो नंबर मीन्स दो रैशनल नंबर लीजिए एंड उसे एड कीजिए, देन इनके प्लेस को चेंज करके मीन्स ए के प्लेस में बी एंड बी के प्लेस में ए, प्लेस को इंटरचेंज कर दिया, अगेन उसे ऐड करना है तो ए के प्लेस में क्या है 2 अपॉन 4 है प्लस एडिशन केस है एंड बी के प्लेस में 3 अपॉन 4 है, इसे जब आप ऐड करेंगे तो आ जाएगा 5 अपॉन 4। ओके, ये एक फ्रैक्शन नंबर की तरह ही से ऐड किया जाता है जो कि क्लास 7th में आपने सीखा होगा, देन इक्वल अब यहाँ पे इनके प्लेस को चेंज करके ऐड करेंगे तो फर्स्ट आपका आ गया 3 अपॉन 4 एंड ये 2 अपॉन 4 बाद में चला गया, इन्हें ऐड करेंगे तो यहाँ भी 3 प्लस 2 5 अपॉन 4 ही आएगा जो कि इक्वल है। इक्वल मीन्स आपने दो रैशनल नंबर को लिया एंड उन्हें ऐड किया तो 5 अपॉन 4 आया, देन इनके प्लेस को इंटरचेंज किया एंड उन्हें ऐड किया तो सेम रिजल्ट आया है, तो एडिशन इज कम्यूटेटिव। नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन केस देखते हैं, इसमें आप दो रैशनल नंबर लीजिए देन उन्हें सब्ट्रैक्ट कीजिए, ए के प्लेस में 2 डिवाइड बाई 4 आ गया देन माइनस सब्ट्रैक्शन केस है एंड बी के प्लेस में 3 अपॉन 4 आ गया है, जब इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा आपका माइनस 1 अपॉन 4। अब इसके प्लेस को चेंज कर दिया मीन्स आपस में इन दोनों नंबर को इंटरचेंज कर दिया, ए के प्लेस में बी आ गया एंड बी के प्लेस में ए आ गया है तो फर्स्ट बी है 3 अपॉन 4 था ये 3 अपॉन 4 आ गया, देन माइनस फिर एक प्लेस में 2 अपॉन 4 था तो एक प्लेस में 2 अपॉन 4 आ गया है। अब इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 माइनस 2 1 अपॉन 4 आ जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड आपका आया माइनस 1 अपॉन 4 एंड राइट हैंड साइड आया 1 अपॉन 4, क्या दोनों इक्वल है? ये माइनस के साथ है एंड ये प्लस के साथ है इसलिए दोनों इक्वल नहीं है, दैट्स व्हाई सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। नेक्स्ट ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन का, इसमें दो नंबर लेंगे दो रैशनल नंबर लेंगे एंड मल्टीप्लाई करेंगे तो
a इनटू b, a एक रैशनल नंबर है एंड b दूसरा रैशनल नंबर है, तो a के प्लेस में 2/4 आ गया एंड b के प्लेस में 3/4 आ गया। अब जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो रैशनल नंबर को सॉल्व करना, जस्ट इससे लास्ट वाला जो वीडियो है, पहले वाला वीडियो है, इसमें मैंने बताया है कि न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 3 6 आ जाएगा, देन डिवाइड बाय 4 4 16 आ जाएगा। अब राइट हैंड साइड पे देखते हैं, 3 2 6 आएगा यहाँ पे, डिवाइड बाय 4 4 16 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड आ रहा है, मतलब आपने किसी दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया एंड अगेन उसके प्लेस को चेंज करके, इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई किया, तो दोनों साइड इक्वल आ रहे हैं, तो मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिव। रैशनल नंबर के केस में मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर रहा है। नेक्स्ट एंड लास्ट ऑपरेशन है डिविजन का, इसमें आपको दो रैशनल नंबर लेना है, उनसे डिवाइड करना है, तो ए के प्लेस में 2/4 कर दिया एंड डिवाइड का केस है, एंड बी के प्लेस में 3/4 कर दिया। किसी दो आप रैशनल नंबर को डायरेक्ट डिवाइड नहीं कर सकते हो, तो इसलिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि 2/4 हो गया है, यानी ये डिवाइड की जगह हम मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं, तो मल्टीप्लाई का साइन लगाने से क्या होता है, जो नेक्स्ट रैशनल नंबर है वह रेसिप्रोकल हो जाता है। रेसिप्रोकल मीन्स न्यूमरेटर की जगह डिनोमिनेटर आ जाता है एंड डिनोमिनेटर की जगह न्यूमरेटर आ जाता है, मीन्स जस्ट उल्टा हो जाता है, मतलब यहाँ पे 4/3 हो जाएगा। एंड मल्टीप्लाई करना आसान है, जैसे हमने यहाँ पे किया था न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई एंड डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से, तो 4 2 8 आएगा एंड 4 3 12 आ जाएगा। तो जब हमने इन दोनों रैशनल नंबर को डिवाइड किया है, 8/12 आया है। इसी तरह अब हम इन दोनों रैशनल नंबर को डिवाइड करके चेक करेंगे, तो फर्स्ट देखिए 3/4 है, देन डिवीजन है, तो इसे मल्टीप्लीकेशन बना देंगे, तो जो नेक्स्ट रैशनल नंबर है वह रेसिप्रोकल हो जाएगा, मीन्स उल्टा हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। अब न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 3 12 आया एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कीजिए, 4 3 12 ही आता है। अब यहाँ पे 8/12 आया है, यहाँ पे 12/12 आया, क्या दोनों साइड इक्वल है, नहीं है, नहीं है, इसलिए डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव, मतलब रैशनल नंबर में डिवीजन केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई नहीं हो रहा है, दोनों साइड इक्वल नहीं आ रहे हैं। तो इस तरीके से हमने होल नंबर, इंटीजर एंड रैशनल नंबर में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चेक किया है, किस केस में है, किस केस में नहीं है। बेसिकली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है कि किन्हीं दो नंबर्स को आप ऐड कीजिए, देन इन नंबर्स को आपस में इंटरचेंज करके ऐड कीजिए, अगर दोनों साइड इक्वल आते हैं तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, अगर नहीं आते हैं तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। तो रैशनल नंबर में हमने चेक किया था एडिशन केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बन रहा था, सब्ट्रैक्शन में नहीं बन रहा था, मल्टीप्लीकेशन में बन रहा था, मतलब दोनों साइड इक्वल आ रहे थे, एंड डिविजन में नहीं बन रहा था। इंटीजर के केस में हमने चेक किया था, इंटीजर में एडिशन ऑपरेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बन रहा था क्या, हाँ बन रहा था, एंड सब्ट्रैक्शन में नहीं बन रहा था, मल्टीप्लीकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बन रहा था, मतलब दोनों साइड इक्वल आ रहे थे। डिवीजन के केस में दोनों साइड इक्वल नहीं आ रहे थे, दैट्स व्हाई डिवीजन केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इंटीजर में नहीं बन रहा था। इसी तरह हमने होल नंबर को चेक किया है, एंड एग्जैक्टली होल नंबर की तरह नेचुरल नंबर भी है, तो होल नंबर केस में एडिशन केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बन रहा था, तो यहाँ पे यस एंड यहाँ पे यस आ जाएगा। सब्ट्रैक्शन में नहीं बन रहा था, तो नो नो आ जाएगा। मल्टीप्लीकेशन में बन रहा था, यस आ जाएगा, एंड डिविजन केस में नहीं बन रहा था, तो नो आ जाएगा। तो इस तरीके से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को आप समझ सकते हैं, समझा जा सकता है आसानी से। सो थैंक यू।